हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लाई हूँ। तो रेसिपी ये देखिए, ये चने की दाल का पराठा है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चने की दाल का पराठा बनाने के लिए मैंने लिए हाफ के जी चने की दाल, ये देखिए। इसे मैं एक बार वॉश करके सोक होने के लिए रख दूंगी। आप इसे चाहे तो ओवरनाइट सोक कर सकते हैं या फिर आप 4 से 5 आवर्स के लिए भी सोक कर सकते हैं। तो मैं इसमें ढेर सारा पानी ऐड करूंगी और इसे ढक के रख दूंगी। तो ये देखिए, दाल सोक हो चुकी है। अब मैं इस दाल को एक ड्रेनर में पलट दूंगी। ड्रेनर में मैंने पलट लिया है। तो अब बारी है दाल को कुक करने की। तो चलिए कुक कर दें। ये देखिए, मैंने कुक करने के लिए लिया है कुकर। मैंने कुकर इसलिए लिया है क्योंकि मैं शॉर्टकट तरीके से ही बनाने वाली हूँ। पहले लोग क्या करते थे, मेरी दादी तो अक्सर इस कढ़ाई में दाल को कुक किया करती थी, जो कि टाइम टेकिंग होता था प्रोसेस, और उसके बाद फिर इस सिलबट्टे देसी ग्राइंडर में दाल को ग्राइंड करती थी। तो हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करने वाले हैं, इसीलिए मैंने लिया है कुकर, जिससे दाल जल्दी कुक हो और हमें ग्राइंड भी ना करना पड़े। तो चलिए हम आपको ट्रिक आगे बताते हैं। तो कुकर हमारा गर्म हो चुका है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 तेज़पत्ते ऐड कर रही हूँ और 2 लाल साबुत मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 करी पत्ता ढेर सारा। इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे और फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून हींग ऐड करूंगी। और ये हरी कटी हुई मिर्च, इस मिक्सचर को हम अच्छे से पका लेंगे। और फिर उसके बाद कुछ मसाले, ये धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक एज पर योर टेस्ट, मसाले भी कुछ सेकेंड्स में पककर रेडी हैं। तो अब मैं इसमें दाल ऐड करने वाली हूँ। तो अब मैं दाल इसमें ऐड कर दूंगी। दाल को ऐड करके आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर ये देखिए, 1/2 ग्लास ही पानी मैं इसमें डालूंगी। ये इतना गाइस पर्याप्त है पकने के लिए, क्योंकि इसे हम लो फ्लेम पर ही पकाने वाले हैं। तो धीरे धीरे दाल पक जाएगी और दाल गल भी जाएगी, जिससे हमें ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब डो रेडी कर लेते हैं। ये मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है, इससे हम बिल्कुल सॉफ्ट सा डो रेडी करेंगे। हार्ड डो बिल्कुल रेडी नहीं करेंगे, नहीं तो पराठे सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये देखिए, सॉफ्ट सा डो मैंने रेडी कर लिया है। डो आप जितना अच्छे से रेडी करेंगे, आपके पराठे उतना ही अच्छे बनकर तैयार होंगे, बढ़िया सॉफ्ट से फूले फूले। तो डो भी रेडी हो गया, अब मैं इसे ढक के एक साइड कर दूंगी। तो चलिए अब कुकर की हालत देख लेते हैं। ये देखिए, लो फ्लेम पर ही मैंने इंडक्शन को किया हुआ है। तो दाल लगभग पक गई है, अब मैं इंडक्शन को ऑफ करके इसे ठंडा करके ओपन करूंगी। गाइस, एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही यमी सा लगता है। तो चलिए कुकर को ओपन करके देख लेते हैं दाल कैसी दिख रही है। तो अब मैं एक मैसर की हेल्प से इसे
अच्छे से मैश कर दूंगी। जब ये दाल गर्म रहे तभी आप इसे मैश कर लीजिए, बहुत इजीली हो जाएगी। अगर ठंडी हो गई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए दाल मैश हो चुकी है पूरी तरह से, और हमें ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना पड़ा। फाइन सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए डोसे मैंने कुछ बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब एक एक को हम इस रोलर पे रख के और भरते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से दाल को पैक कर लीजिए आटे में, फिर आप इसे हथेलियों से दबा के और बेलन की हेल्प से बेल लीजिए। तो ये देखिए कितना बड़ा सा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब बारी है पराठे को सेकने की। तो आइए अब हम किचन में चलते हैं। तो ये मैंने तवे में डाल दिया है पराठा। अब आप इसे पलट लेंगे और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप बारी बारी से दोनों तरफ ग्रीस कर लेंगे। दोनों साइड अच्छे से पका लीजिए और पराठा बनकर रेडी है। तो ये देखिए बनने के बाद कैसा दिख रहा है पराठा। अब आप इसे सर्व करेंगे। आप इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ या फिर दही के साथ या फिर किसी सब्जी के साथ सर्व करिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।